हेलो जी, हाय, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा हिबिस्कस प्लांट से रिलेटेड। तो मैं आपके साथ करीब करीब 10 से 11 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जिसमें ग्राफ्टिंग होगी, हिबिस्कस प्लांट को कहाँ रखना है, उसकी रूट प्रूनिंग करनी है या फिर उसकी ब्रांच प्रूनिंग करनी है, उसमें सबसे ज़्यादा फ्लावर कैसे लेकर आने हैं, और हाँ, सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उसके ऊपर अगर पेस्ट अटैक होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन या फिर टेम्प्ररी सॉल्यूशन। मैं पूरा वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, चलिए देखते हैं। ओके, रुकिए, वीडियो को आगे देखने से पहले हमारी परंपरा को तो फॉलो कर लें। चलिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और उसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि 800,000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं। तो चलिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। हमारा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आपके पास कितने रोज़ प्लांट हैं अभी, जस्ट अभी, और उनमें कौन कौन से कलर आते हैं। मैं मेरा बताता हूँ। देखो, मेरे पास एक सबसे पुराना है आबरा का डाबरा रोज़, उसके बाद है पिंक कलर, उसके बाद रेड कलर है, उसके बाद वाइट कलर है। मेरे पास 4 रोज़ प्लांट है अलग अलग कलर वाले। मैं शायद 4 से 5 और ऐड करने वाला हूँ अपने कलेक्शन में। तो आप भी बताना आपके पास कितने रोज़ प्लांट हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, बैकग्राउंड चेंज है। अब इस वीडियो के ऊपर अगर दोस्तों 4+4 8,000 लाइक आ जाते हैं तो मैं पूरा गार्डन ओवरव्यू दूंगा। देखते हैं ये टारगेट कब पूरा होता है। पीछे आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, मैंने पूरा ब्लर कर रखा है, बट सब आपके लाइक के ऊपर है। देखते हैं ये वीडियो कब तक 8,000 लाइक देता है। चलिए फाइनली वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 1, गेट मैक्सिमम फ्लावरिंग। तो यहाँ दोस्तों, आप अपने गुड़हल के प्लांट के ऊपर मैक्सिमम फ्लावरिंग ला सकते हैं। मतलब अगर आपका प्लांट 1-2 फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है तो आप अपने प्लांट को मजबूर कर सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे गुड़हल के प्लांट की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और ये बहुत टेंशन वाली बात हो गई थी। तो हमने सोचा इसके ऊपर पूरा अच्छे तरीके से वर्क किया जाए और आपको भी दिखाया जाए कि हमने इस प्लांट को कैसे रिकवर करा। यहाँ पर दोस्तों हमको सारी ब्रांचेस रिमूव करनी होगी और नियरली 1 से 2 इंचेस के आसपास ही हम ब्रांच छोड़ेंगे ताकि प्लांट फिर से न्यू ब्रांचेस ग्रो कर सके, उसकी सारी एनर्जी फिर से वो ला सके। अगर वीड्स वगैरह उग रहे हैं तो उन्हें तुरंत रिमूव कर दें क्योंकि हम यहाँ पर कुछ अच्छा करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको करीब करीब 2 इंचेस के आसपास की टॉप लेयर वाली सॉइल रिमूव करनी होगी। और ये क्यों करनी है, क्योंकि दोस्तों इस 2 इंचेस सॉइल के अंदर वीड्स के सीड होते हैं, मतलब घास फूस के सीड रह जाते हैं, तो उन्हें रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर दोस्तों सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है प्रूनिंग के बाद, वो है आपको सॉइल की खुदाई करनी है और उसके अंदर थोड़ा एरिएशन फ्लो होना चाहिए। और उसके बाद आप अपने हिबिस्कस प्लांट को फुल सनलाइट में रखेंगे और एक ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर ये अदर प्लांट से थोड़ा सा दूर रहेगा। अब बस प्लांट के रिकवर होने का थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद हम इसे फर्टिलाइज़र भी देंगे। आफ्टर 13 डेज आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे फ्लावर खिल चुके हैं और हिबिस्कस प्लांट के अंदर न्यू लीफ और न्यू ग्रोथ भी नज़र आ रही है। दोस्तों इसका मतलब हमारा जितना भी अभी तक का प्रोसेस था बिल्कुल सही था। 13 से 15 डेज़ के बाद अब दोस्तों आपको सॉइल की फिर से गुदाई करनी है और हमने जो सॉइल 2 इंच के आसपास रिमूव करी थी, अब उसमें सॉइल नहीं डालेंगे हम, उसमें डालेंगे गोबर खाद, वो भी फुल्ली डीकम्पोज। इससे दोस्तों प्लांट को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन मिलेगा, इससे प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होने वाला है और काफ़ी इसके अंदर फ्लावरिंग भी आने वाली है। डे 25, और आप यहाँ पर हमारे गुड़हल की हेल्थ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसके अंदर इम्प्रूवमेंट है। इसके अंदर कलियाँ भर चुकी है अभी दोस्तों, और बाकी है अभी, और फर्टिलाइज़र भी हम यूज़ करने वाले हैं जिससे आपको फ्लावर में बूस्ट मिलेगा और यहाँ पर आप ओवरऑल इसकी ग्रोथ देखें। दोस्तों अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो हमारे गुड़हल के प्लांट ने काफ़ी ज़्यादा फ्लावर बड निकाल दिए हैं और हम चाहते हैं ये सारे के सारे एक साथ खिल जाए। इसकी एक ट्रिक होती है दोस्तों, चलिए मैं शेयर करता हूँ कैसे एक साथ फ्लावर को खिलाना है। यहाँ पर दोस्तों हमको DAP फर्टिलाइज़र यूज़ करना होगा और एक सिंपल सा मेथड है, इसकी छोटी सी एक पुड़िया बनानी होगी। और पुड़िया कैसे बनानी है, आपको कॉटन का कोई भी कपड़ा लेना है और उसमें 10 से 12 आप DAP के दाने डाल दें और उस कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके इस आपके गमले के मिट्टी में दबा दें। अब DAP के दाने दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं डालने हैं, बाकी आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। और ये रहा हमारा रिजल्ट आफ्टर 35 से 40 डेज़ में। हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के साथ साथ अब फ्लावर भी खिलने लग गए हैं क्योंकि प्लांट को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। एंड फाइनली आफ्टर 55 डेज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे गुड़हल के प्लांट ने काफ़ी ज़्यादा ब्लूमिंग करी है और हम इसे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं।
पॉइंट नंबर टू, कीप हिबिस्कस प्लांट इन ओपन स्पेस। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने हिबिस्कस प्लांट के अंदर अगर मैक्सिमम फ्लावर लेकर आने हैं तो उसको एक ओपन स्पेस, एरिएशन फुल होना चाहिए, वहाँ पे सनलाइट पूरी आनी चाहिए और ये थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, तभी जाकर आपका हिबिस्कस प्लांट इतने फ्लावर देगा और इतना ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा। नंबर थ्री, हिबिस्कस ग्राफ्टिंग। और यहाँ पर हम वाइट हिबिस्कस और रेड हिबिस्कस की ग्राफ्टिंग करने वाले हैं और आप देखना कितनी आसान तरीके से मैं आपको ग्राफ्टिंग सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आसपास की जितने भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस होती है उन्हें ट्रिम कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों हम एक पतली ब्रांच पर ग्राफ्टिंग सिखाएंगे और एक मोटी ब्रांच पर ग्राफ्टिंग सिखाने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको ग्राफ्टिंग 100% सक्सेसफुल चाहिए तो आपकी ग्राफ्टिंग ब्लेड एकदम क्लीन होनी चाहिए, तो नॉर्मल अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं, उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए और उसके बाद आपको अपनी ब्रांच को अच्छे से पकड़ के उसको बीच में से स्लाइड करना है। चलिए मोटी ब्रांच पर करके दिखाता हूँ, वहाँ पर आपको क्लियर नज़र आएगा। सबसे पहले आप सारी की सारी आसपास की ब्रांचेस रिमूव कर दें, इससे ग्राफ्टिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और एक्स्ट्रा ब्रांचेस ग्रो होने का खतरा भी नहीं होता है। जब भी आप ग्राफ्टिंग करें हमेशा ध्यान रखना जो आप ब्लेड यूज़ कर रहे हैं या तो वो एकदम फ्रेश हो या फिर उसके अंदर इतनी धार होनी चाहिए कि एक ही बार में आपका कट ईजिली हो जाना चाहिए। ग्राफ्टिंग के लिए दोस्तों आप हमेशा एक अदर हिबिस्कस प्लांट की ब्रांच लेकर आइए और उसके अंदर एक वी कट लगा लीजिए, और वी कट लगाने से बेनिफिट ये होता है कि हमारी जो स्टॉक मदर प्लांट के अंदर जो ग्राफ्ट कर रखा है उसके अंदर ईजिली ये ब्रांच स्लाइड हो जाए। क्यों दोस्तों, है ना काफ़ी ईजी, तो आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप भी अपने हिबिस्कस प्लांट के ऊपर ग्राफ्टिंग ज़रूर करेंगे और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं या आपने पहले कभी ग्राफ्टिंग करी है या नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर आप ग्राफ्टिंग टेप का यूज़ कर सकते हैं और दोनों ही ब्रांच को अच्छे से टाइट बांध सकते हैं जिससे ये आपस में फ्यूज़ हो जाए और आने वाले फ्यूचर डेज में ये न्यू शूट प्रोड्यूस करे। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइट होना चाहिए, और अगर आपके पास ग्राफ्टिंग टेप नहीं है तो आप नॉर्मल टेप का यूज़ कर सकते हैं, और अगर ग्राफ्टिंग टेप परचेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फाइनली आपको एक पॉलीथीन का यूज़ करके उसे अच्छे से कवर कर देना है जिससे टेम्परेचर फ्लक्चुएट ना हो और हमारी ग्राफ्टिंग बिल्कुल सक्सेसफुल रहे। नंबर फोर, बट काफ़ी ज़्यादा डेंजरस प्रॉब्लम, हिबिस्कस प्लांट के ऊपर पेस्ट अटैक, स्पेशली मेलीबग। दोस्तों ये प्रॉब्लम हम सभी को होती है और इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन आ गया है दोस्तों, एंड हम थैंक्स बोलना चाहेंगे नैनोपॉट को जिनकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है। चलिए देख लेते हैं प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है और आपको एक ऑर्गेनिक गार्डनिंग में कितनी ज़्यादा हेल्प करता है। दोस्तों नैनोपॉट एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है जो आपके गार्डन को पेस्ट फ्री बना देगा। ये वाइट फ्लाइज, मेलीबग, एफिड्स, छोटे मोटे जितने भी कीड़े होते हैं उन सभी को ये इजीली रिमूव कर देता है। रिमूव करने के साथ साथ वो उन्हें किल भी कर देता है ताकि ये फिर से फर्दर अटैक ना कर सके। हमारा नैनोपॉट की तरफ से स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्टर दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कारगर है। ये इको फ्रेंडली होने के साथ साथ मल्टीपर्पज़ यूज़ में काम आता है, फास्ट एक्टिंग है और किसी भी प्लांट को बहुत ही स्मार्ट तरीके से ये प्रोटेक्ट करता है। और अगर आप नीम ऑयल का यूज़ करते हैं तो उससे ये 3 टाइम फास्टर है और इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। आपको 1 लीटर वाटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ml इसके ड्रॉप डालने हैं और बस अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। प्रोडक्ट को अगर चेक करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इनकी खुद की वेबसाइट भी ये मेंटेन करते हैं तो आप वहाँ से भी इसे परचेस कर सकते हैं। चलिए रियल टाइम में देखते हैं ये मेलीबग को कैसे हिबिस्कस प्लांट के ऊपर से किल करता है या फिर रिमूव कर देता है। यूज़ करने का तरीका आप देख लें, आपको 1 लीटर वाटर के अंदर 3 ml ही यूज़ करना है, ना ज़्यादा ना कम। इससे ही फास्ट और एडिक्वेट रिएक्शन होगा और आपके मेलीबग या फिर अदर इंसेक्ट्स इजीली मर जाएंगे। चलिए दोस्तों रियल टाइम यूज़ करके देख लेते हैं क्या मेलीबग मरते हैं या नहीं, या फिर वहाँ पेड़ से रिमूव हो जाते हैं या नहीं। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक पंप की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप प्रेशर से उन मेलीबग के ऊपर इस दवाई को छिड़केंगे और ये धीरे धीरे करके सारे मेलीबग या तो पेड़ से गिरकर मर जाएंगे या पर वहीं रहकर भी मर जाएंगे। मेलीबग के ऊपर एक वैक्स की कोटिंग होती है जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी पेस्टिसाइड वर्क नहीं करता है और वो इजीली बच जाते हैं। बट यहाँ पर हमारा स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्टर दोस्तों मेलीबग की वैक्स की कोटिंग सबसे पहले रिमूव करता है और उसके बाद मेलीबग को इजीली किल किया जा सकता है, और स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्टर यही वर्क करता है। एक बार अफेक्टेड ब्रांच को क्लीन करने के बाद आपको इसे पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है जिससे इसके बचे हुए एग फिर से रीग्रो ना हो और अपने प्लांट को आप इजीली प्रोटेक्ट कर सकें।
तो प्रोडक्ट को आप जरूर एक बार चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों नैनोपॉट की तरफ से हमारा स्मार्ट प्लांट प्रोडक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें अदर केमिकल पेस्टिसाइड के जैसे फाउल स्मेल नहीं आती है, मतलब गंदी बदबू नहीं आती है और आप इसको गार्डनिंग में इजीली यूज़ कर सकते हैं। और ये एक सिर्फ मेलीबग के ऊपर ही लिमिटेशन नहीं रखता है, इसको आप वाइट फ्लाइज के ऊपर, एपिड्स के ऊपर, थ्राइप्स के ऊपर या फिर अगर प्लांट के ऊपर कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5, ग्रो हिबिस्कस फ्रॉम कटिंग। और दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखना, जब भी आप कटिंग लेकर आए हमेशा एकदम फ्रेश और हेल्दी ब्रांच ही लेकर आनी है। ध्यान रखना उसके ऊपर कोई पेस्ट अटैक ना हो, वरना आपकी कटिंग फेल हो सकती है और आपके आसपास के प्लांट में वो पेस्ट लग सकता है। नेक्स्ट, आप जब भी कटिंग लगाएं उसकी सारी लीफ रिमूव कर दें। अगर लीफ रहेगी तो कटिंग को रूट्स ग्रो होने में बहुत प्रॉब्लम होगी, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा। और हाँ, अगर आप 45 डिग्री एंगल पर इसे कट करके ग्रो करते हैं तो ये बहुत फास्ट ग्रो होगी। हम यहाँ पर 3 पॉट में ग्रो कर रहे हैं और 2 मेथड के साथ ग्रो कर रहे हैं। एक आप पॉट देखेंगे इसके अंदर ड्रेनेज होल नहीं है, इसका मतलब एक हाइड्रोपोनिक मेथड होगा, और एक नॉर्मल हम कोकोपीट के अंदर ग्रो करेंगे। बट दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा रूटिंग हार्मोन का यूज़ करेंगे, एक ऑर्गेनिक होगा और एक केमिकल होगा। चलिए 45 डिग्री एंगल पर कट करना है या फिर आप उसकी छाल रिमूव कर दें और बस आपको रूटिंग हार्मोन का यूज़ करते हुए इसे ग्रो कर देना है। यहाँ पर दोस्तों हम मार्केट से मिलने वाला केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं और एक घर पर ही हमारा शहद मिलता है, हनी, उसका यूज़ करेंगे और दोनों का रिजल्ट भी चेक करेंगे। अब वाटर में ग्रो करने का तरीका आप देख लें, आपको एक पॉट लेना है और उसके ऊपर एक थर्माकोल की लिड बनानी है। थर्माकोल की लिड इसलिए क्योंकि दोस्तों ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है और बस आपको अपनी कटिंग के जितना बड़ा हॉल करना है उस थर्माकोल की कटिंग के अंदर, और बस अपनी कटिंग को स्लाइड करें और उसे ग्रो कर दें। अब बस 10 से 15 दिन आपको मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना है और उसके बाद आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और वाटर में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एवरी 7 डेज वाटर चेंज करना है। 25 दिन के बाद दोस्तों बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट मिला, हमारी 3 कटिंग ग्रो हो गई और 3 कटिंग ग्रो ही नहीं हुई। और जो कटिंग ग्रो नहीं हुई सॉइल के अंदर, कोकोपीट के अंदर, वो हानी वाली थी और हमारे रूटिंग हार्मोन वाली कटिंग ग्रो हो चुकी है। चलिए एक बार रूट्स चेक कर लेते हैं सारी कटिंग्स की और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों गुड़ेल के पौधे को सनलाइट इतनी ज़्यादा पसंद है कि आप उसको एक्सट्रीम हीट में भी रख देंगे तो भी उस प्लांट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हिबिस्कस प्लांट की लीफ के ऊपर जैसे ही सनलाइट गिरती है दोस्तों तो वो अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देता है, और जैसे जैसे प्लांट के अंदर एनर्जी बढ़ती है सनलाइट के थ्रू तो प्लांट बहुत सारी कलियाँ भी प्रोड्यूस करता है। इसलिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने इसको बोला है कि इसको ओपन स्पेस में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आसपास छोटे मोटे प्लांट होंगे तो इसको कवर कर लेंगे और इसकी सनलाइट रोक देंगे। तो डेफिनेटली आपको इसे ओपन स्पेस में और फुल सनलाइट में रखना है। पॉइंट नंबर 7, हिबिस्कस प्रूनिंग। दोस्तों गुड़ेल की प्रूनिंग आपको तभी करनी है जब उसके अंदर फ्लावर नहीं आ रहे हैं या फिर उसकी ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है। उसके अलावा आपको इसकी प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर आपके हिबिस्कस प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गई है और वो प्लांट बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है ना तो फर्टिलाइज़र का ना किसी का, तो आपको डेफिनेटली उसकी प्रूनिंग करनी चाहिए। इससे आपको रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेगा, नियरली 20 से 25 डेज में आपको आपके हिबिस्कस प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग नज़र आ जाएगी और उसके अंदर न्यू शूट नज़र आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ ये होता क्यों है। दोस्तों प्लांट के अंदर एक ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि एक समय पर रुक जाता है, प्लांट के अंदर ग्रोथ रुक जाती है और हम प्रूनिंग करते हैं तो उसका ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट होता है और सारी ब्रांचेस में फिर से रन करने लग जाता है। उसी के थ्रू प्लांट अपनी फिर से ग्रोथ अटेंड करता है, फ्लावर्स प्रोड्यूस करने लग जाता है। पॉइंट नंबर 8, हिबिस्कस प्लांट रूट प्रूनिंग या फिर रिपोर्टिंग कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, बट इससे पहले इसकी स्थिति थोड़ी सी ख़राब थी क्योंकि इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत थी। चलिए देखते हैं हमने क्या किया है। हमारे गुड़ेल के पौधे में बिल्कुल भी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही थी, ना ही वो फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा था और ना ही उसकी लीफ की साइज़ बड़ी हो रही थी। दोस्तों सिंपल सा रीज़न है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, रूट प्रूनिंग की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं ये हम कैसे करते हैं। मैं चेक करने का तरीका बताता हूँ आपको, सॉइल को करीब करीब 2 इंच के आसपास खोदना है। अगर रूट्स बहुत सारी नज़र आ रही है इसका मतलब आपके प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, और बस आप पॉट में से निकालिए, थोड़ी सी रूट काट दीजिए, थोड़ी सी सॉइल कम कर दीजिए और प्लांट को अच्छा सा एक न्यूट्रिशन दे दीजिए। बेस्ट फर्टिलाइज़र है दोस्तों बनाना पील फर्टिलाइज़र, इससे प्लांट के अंदर ओवरऑल ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग में भी बूस्ट मिल जाता है। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे प्रिपेयर करना है। आपको 1 लीटर वाटर या फिर 2 लीटर वाटर के अंदर कुछ बनाना पील डालने हैं, 24 घंटे के लिए रखना है और बस उसका लिक्विड आप अपने प्लांट के अंदर डाल दीजिए।
पॉइंट नंबर 9, कंटिन्यूस फ्लावरिंग। दोस्तों आपका प्लांट फ्लावर तो कर रहा है, बट उसको लंबे समय तक फ्लावरिंग करने के लिए हम ऐसा क्या करें, उसके अंदर कौन सा फर्टिलाइजर डालें, उसके लिए ये वाला पॉइंट है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत से फ्लावर है और ये कंटिन्यूसली दोस्तों आते रहते हैं। इसका ट्रिक क्या है चलिए देखते हैं। बहुत आसान है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे मस्टर्ड के एक फर्टिलाइजर, नियरली 100 से 150 ग्राम के आसपास आपको डालना है एक पॉट के अंदर, और उसको थोड़ा सा वाटर में भिगो दीजिए दोस्तों। इसको 24 घंटे के लिए रहने दीजिए, उसके बाद ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा और ये प्लांट एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है। बस आप इसे छान कर अपने प्लांट में डाल दीजिए। याद रखिएगा 10 इंच पॉट में आपको करीब करीब 100 ग्राम का ये वाटर ही डालना है। पॉट में डालने का तरीका आप ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपको सॉइल की गुदाई करनी है। अगर ये टॉप लेयर की सरफेस पर रह गया तो यहाँ पर फंगस ग्रो हो जाएगी, इसलिए इस गुदाई करेंगे तो ये अंदर की तरफ डिजॉल्व हो जाएगा और उसके बाद फंगस ग्रो नहीं होगी। पॉइंट नंबर 10, वाटरिंग हिबिस्कस प्लांट। हमने दोस्तों 6 नंबर के पॉइंट में आपको बताया था किस तरह से हिबिस्कस प्लांट को सनलाइट बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पर सेम चीज़ है, हिबिस्कस प्लांट को वाटरिंग भी बहुत अच्छी लगती है। अगर उसके ऊपर स्प्रे करा जाए तो डेफिनेटली आपको जब भी वाटर देना हो आप हिबिस्कस प्लांट को पूरा अच्छे तरीके से निलाएंगे। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हिबिस्कस प्लांट की लीफ अच्छे से क्लीन हो जाएगी, और अगर कोई पेस्ट वगैरह ने एग दे रखा है तो वो भी वॉश आउट हो जाएगा। होप कि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और हमारा टारगेट हमेशा याद रखना